हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे अपकमिंग हुंडई वर्ना के बारे में। अपकमिंग 2020 हुंडई वर्ना के अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो इसमें बड़ा सा कैस्केडिंग ग्रिल दिया गया है, जो कि एलेंट्रा में भी आपको देखने को मिलता है। इसके हेडलैम्प का डिज़ाइन एकदम बिल्कुल नया दिया गया है। हुंडई ने लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार अपनी लोकप्रिय सेडान वर्ना का नया मॉडल लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने फिलहाल इस कार को चीन में लॉन्च किया है और जल्द ही 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में इसको इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। नई वर्ना लुक के मामले में पहले से ज़्यादा शार्प और क्लासी नज़र आ रही है। कार की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इसे भी एलेंट्रा और क्रेटा जैसा डिज़ाइन दिया गया है। 2020 हुंडई वर्ना में बड़ा सा कैस्केडिंग ग्रिल दिया गया है, जो कि एलेंट्रा में भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके हेडलैम्प का डिज़ाइन एकदम नया और फ्रेश लुक के साथ दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। कार के बम्पर और फॉग लैम्प को भी रीडिज़ाइन किया गया है और बोनेट में ज़्यादा शार्प लाइन दी गई हैं। अब हम यह कह सकते हैं कि यह गाड़ी देखने में पहले से ज़्यादा सुंदर और पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अगर हम हुंडई वर्ना के रियर लुक के बारे में बात करें तो इसमें आपको नए डिज़ाइन वाला पूट लिड मिल रहा है। साथ ही आप इसके रियर टेल लैम्प को देखेंगे तो यह आपको रेप अराउंड शेप में मिलेंगे। रियर बम्पर भी पहले से कई ज़्यादा स्पोर्टी बना दी। दोस्तों, अगर हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको ज़्यादा बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें आपको वही पहले की तरह ब्लैक एंड पीच कलर का इंटीरियर डुअल टोन दिया जाएगा। अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको इस बार 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन सिस्टम दिया जाएगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ऑक्स, यूएसबी, ब्लूटूथ आदि को सपोर्ट करेगा। इसमें आपको पहले की तरह ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया जाएगा, रियर एसी वेंट्स भी दिए जाएंगे और पहले की तरह आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर हम अपकमिंग हुंडई वर्ना के इंजन ऑप्शन की बात करें कि आपको कौन कौन सा डीजल व कौन सा पेट्रोल इंजन मिलेगा, तो इसमें आपको किया सेल्टोस वाला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा और वहीं आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन भी मिल सकता है, जो कि 115 bhp की पावर जनरेट करेगा। हालांकि अभी इसमें किया सेल्टोस वाला 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा या नहीं, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं अगर हम अपकमिंग हुंडई वर्ना के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, 6 एयरबैग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आदि मिलेंगे। वहीं अगर हम इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो वह 9 लाख से 14 लाख एक्स शोरूम न्यू दिल्ली हो सकती है। अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें कि इसको कब लॉन्च किया जाएगा इंडिया में, तो इसके लिए जानकारी मिली है कि होने वाले ऑटो एक्सपो के अंदर इस गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है। इस बार इस गाड़ी में आपको डीजल व पेट्रोल दोनों इंजन BS कंप्लाइंट दिए जाएंगे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में हमारे पास जो भी जानकारी थी वह सब हमने आपको बता दी है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, लॉन्च डेट, प्राइस। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।